नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करने वाली अगली जनजाति उस्मैन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने बद्दू जनजाति के बारे में पढ़ा था, अब हम उस्मैन के बारे में डिटेल में परिचर्चा करेंगे। जो उस्मैन जनजाति है वो अफ्रीका महाद्वीप के कालाहारी मरुस्थल तथा दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका के उपोष्ण घास के मैदानों में निवास करती है। ये जो जनजाति है वो अपना घुमक्कड़ जीवन यापन करती है। इन्हें जो है वो सान के नाम से भी जाना जाता है। बुशमैन की विभिन्न समूह जो है ओका, बांगो, मेगामी झीलों से लिम्पोपो तथा नोसोबो नदियों के बीच में भ्रमण करते हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर बुशमैन जनजाति जो है वो बोत्सवाना, बशुतोलैंड, नेटाल और रोडेशिया तक फैली हुई थी। वर्तमान में जो इसका जो क्षेत्र है वो सीमित हो गया है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय प्रवासियों ने दक्षिण अफ्रीका के आखेटक लोगों को बुशमैन नाम दिया था। बुशमैन मूलतः जो है वो आखेटक है। मरुस्थलीय भाग में घुमक्कड़ जीवन यापन करने वाली ये एक जनजाति है और इसका जो अन्य नाम वो सान भी है। ये जो मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे ये उस्मैन जनजाति का जो है वो ये जो है निवास क्षेत्र, ये बोत्सवाना गामी जिलो ये वाला एरिया, इस क्षेत्र में उस्मैन जनजाति निवास करती है। अब हम उस्मैन जनजाति के निवास क्षेत्र की जलवायु दशाओं को देखें तो ये जो जनजाति है वो कालाहारी मरुस्थल की जलवायु जो उपोष्ण व उष्ण रेगिस्तानी है। कालाहारी जो मरुस्थल है वहाँ की जलवायु उपोष्ण से शुष्क रेगिस्तानी प्रकार की है। यहाँ तापमान में अत्यधिक विषमता पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु की जो अवधि है वो लंबी होती है और शीत ऋतु जो है वो उसकी अवधि कम होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान जो है वो 30 से 40 डिग्री तक पहुंच जाता है। वहीं शीत ऋतु में जो तापमान है वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यहाँ दिन और रात के तापमान में जो है वो अधिक अंतर पाया जाता है या जो दैनिक तापांतर है वो अधिक होता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति का अभाव पाया जाता है, खुला आसमान रहता है। इस कारण दिन में सूर्य की किरणों के कारण धरातल तेजी से गर्म हो जाता है और रात में जो है ताप ह्रास के कारण या विकिरण की क्रिया के कारण टेम्परेचर जो है वो ज्यादा कम हो जाता है। इस वजह से दैनिक तापांतर जो है वो इस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। इस प्रकार कालाहारी मरुस्थल की जलवायु मानव अधिवास के लिए यदि हम देखें तो वो अनुपयुक्त होती है। इस भाग में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है जबकि शीत ऋतु शुष्क होती है। कालाहारी मरुस्थल जो है इसके उत्तर में औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 50 सेंटीमीटर है, जबकि दक्षिण पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा और ज्यादा घटती जाती है और ये मात्रा घटकर 15 से 20 सेंटीमीटर रह जाती है, जो कि बहुत कम है। बरसात के कारण यहाँ छोटे छोटे वृक्ष, झाड़ियाँ, घास उगाती है जिससे पशुओं के लिए चारा उपलब्ध हो जाता है। यहाँ उगने वाली जो घास है उसे बुशमैन घास के नाम से जाना जाता है। उस घास का जो नाम है वो बुशमैन घास है। अब हम इस जनजाति के शारीरिक लक्षणों को देखें तो ये जनजाति जो है निग्रिटो तथा निग्रो प्रजाति का मिश्रित रूप है। इसके शारीरिक लक्षण जो है वो इन प्रजातियों से ही मिलते जुलते हैं। शारीरिक जो कद है वो बोना होता है। हाइट की यदि हम बात करें तो वो 150 से 160 सेंटीमीटर होती है। इनके जो बाल हैं वो घुंघराले होते हैं, होंठ ज़्यादा मोटे नहीं होते पिग्मीज के जैसे, चेहरा आगे की ओर जो है कम उभरा हुआ होता है। इनका पेट जो है अधिक बड़ा होता है और बाहर की ओर निकला हुआ होता है। आर्थिक क्रियाकलाप देखें तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो आखेट है। शिकार करने में ये कुशल होते हैं। कालाहारी मरुस्थल की जो मुख्य आखेटिक जनजाति है वो उस्मैन ही है। उस्मैन 20 या इससे छोटे समूह में भ्रमण करते हुए शिकार करते हैं। यह प्रजाति पशुओं की बोली की नकल करने में प्रवीण होती है। इस मरुस्थलीय भाग में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों का ये शिकार करते हैं। हिंसक जानवरों से अपना बचाव भी करते हैं। पशुओं का शिकार करने के पश्चात ये लोग उसे आपस में बांटकर खाते हैं। पुरुष शिकार करते हैं जबकि महिलाएं जो है वो वन्य पदार्थों जो भी आसपास में वस्तुएं मिलती हैं उनके संग्रहण का कार्य करती है। इस तरीके से इनका जो मुख्य व्यवसाय है वो है आकेट। इसी पे इनका जो है वो जीवन निर्भर करता है।
भोजन ये उसमें सर्वाहारी होते हैं, शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही तरीके के भोजन को ग्रहण करते हैं। शिकार से प्राप्त वन्य जीवों का मांस मछलियां इनका मुख्य आहार होता है। कंदमूल फल शहद भी इनके भोजन का हिस्सा होते हैं। यह जनजाति जो है वो भोजन का संग्रहण नहीं करती है। इसका कारण ये भी है क्योंकि उष्ण जलवायु के कारण जो है इनका भोजन जो है वो सड़ जाता है, खराब हो जाता है। भोजन के अभाव में ग्रीष्म ऋतु में जो भोजन का अभाव होता है तो उन्हें भूखा भी रहना पड़ता है। उसमें लोग कीड़े मकोड़े अंडे जू दीमक भी खा जाते हैं। एक विशेष प्रकार के दीमक जिसे बुशमैन राइस के नाम से जाना जाता है उसको भी ये लोग खाते हैं। जंगली तरबूज, तरबूज से सामा कहते हैं, ये इनके भोजन और जल दोनों का काम करता है। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेश में जो भी जीव जंतु या वन्य पदार्थ मिलते हैं वो इनके भोजन का हिस्सा होते हैं। वस्त्र उष्ण या उपोष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु के कारण बुशमैन बहुत कम वस्त्र पहनते हैं। इनके वस्त्र चमड़े से बने हुए होते हैं। पुरुष चमड़े की तिकोनी लंगोट जो है वो बांधते हैं। स्त्रियां भी चमड़े का वस्त्र ही धारण करते हैं जो कमर से पैर तक लटका हुआ रहता है। स्त्रियां जो है वो चमड़े से निर्मित जो क्लोक या क्रोस वस्त्र पहनती है, क्रोस के नाम से जाना जाता है, जो कंधे से कमर तक होता है। ये चमड़े की टोपी व जूते भी पहनते हैं। बुशमैन स्नान नहीं करते हैं। धूप एवं मच्छरों से बचाव के लिए ये अपने शरीर पर एक विशेष प्रकार का लेप करते हैं जो चर्बी युक्त लाल या सफेद मिट्टी का बना हुआ होता है। इनका आवास देखिए घर किस तरीके के होते हैं। वैसे तो बुशमैन घुमंतू आखेटक हैं इसलिए इनके कोई स्थायी आवास नहीं होते, नहीं ये संपत्ति का संग्रहण करते हैं। धूप व शीत से बचाव के लिए ये लोग गुफाओं में कंदराओं में आश्रय लेते हैं। जो भी गुफाएं में कंदराएं बनी हुई होती हैं उसमें ये लोग ठहरते हैं। भूमिगत गर्त व खड्डों के ऊपर घास डालकर अस्थायी आवास बनाते हैं। ये लोग सरकंडे व घास से अर्धवृत्ताकार झोपड़ियां भी बनाते हैं। इनके प्रवेश द्वार जो है वो छोटे रखे जाते हैं, ऐसा सुरक्षा के लिए किया जाता है। इनकी अल्पकालीन शिविर में जो 8 से 10 झोपड़ियां होती हैं, 8 से 10 झोपड़ियों के समूह में ये जनजाति निवास करती है। औजार बुशमैन शिकार करने हेतु लकड़ी से निर्मित धनुष बाण, फेंक कर चलाने वाली छड़ियां, भूमि खोदने के लिए लकड़ियां, भाला अग्नि दंड का प्रयोग करते हैं। शुतुरमुर्ग के जो अंडे हैं उसकी जो खोल है उसको 2 भागों में काटकर उसको प्याले के रूप में जो है ये प्रयोग करते हैं। इसमें जल भरने के लिए व भोजन सामग्री के संग्रहण के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। ये लोग पत्थर व हड्डी से जो निर्मित चाकू का इस्तेमाल करते हैं। छिद्रयुक्त जो है लंबी नली द्वारा झील या नदी की तली से 20 से जो है 60 सेंटीमीटर के नीचे से जल प्राप्त करते हैं। ये आदिवासी भोजन को कच्चा ही, ये आदिवासी जो जनजाति है वो भोजन को कच्चा ही खाती है अथवा खुली आग में जो है उसे पकाकर भी ये लोग भोजन को ग्रहण करते हैं। मुख्यतः जो कच्चा ही जो है ये ग्रहण करते हैं इसलिए इन्हें अधिक बर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम इनके सामाजिक संगठन की बात करें तो संसाधनों की कमी, प्रतिकूल जलवायु दशाओं के कारण कालाहारी मरुस्थल में जो है इस जनजाति की जो जनसंख्या है वो बहुत कम है। सामाजिक रूप से बुशमैन अलग अलग समूहों या दलों में बटे हुए होते हैं जो कि भ्रमणशील जीवन यापन करते हैं। एक दल में 20 से 100 लोग शामिल होते हैं। प्रत्येक दल का अपना अधिकार क्षेत्र होता है जिसमें ये शिकार व संग्रहण का काम करते हैं। प्रत्येक परिवार की अपनी अलग झोपड़ी होती है जिसका निर्माण सामान्यतया जो है वो स्त्रियां करती हैं। दल का वरिष्ठ जो व्यक्ति जो है उसका आवास स्थल का चयन करता है कि किस स्थान पर वो दल रुकेगा। अपने अनुभव के आधार पर शिकार को लेकर इस जनजाति के दलों में संघर्ष होता रहता है और उनकी शत्रुता जो है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। आपस में उनमें लड़ाइयाँ होती हैं। सामूहिक शिकार के लिए एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से मिल सकते हैं। अब हम देखें कि मरुस्थलीय वातावरण के साथ ये जनजाति किस तरीके से अनुकूलन करती है, कैसे उसके साथ समायोजन करती है। उसमें इनकी जो जीवन शैली है उस पर भौतिक पर्यावरण का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चाहे इनके वस्त्र देख लीजिए, इनके औजार देख लीजिए, इनके भोजन देख लीजिए, उन सब में जो है वो प्राकृतिक पर्यावरण का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। ये जो जनजाति है ये कालाहारी मरुस्थल में उपलब्ध जो भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करती है।
और उन्हीं जो है इनके जो मुख्य व्यवसाय जो है वो आखेट है, क्योंकि जो भी जीव जंतु उस मरुस्थल में पाए जाते हैं उनका शिकार करके और उनका उपयोग अपने दैनिक जीवन के लिए करते हैं। गर्मी में सर्दी से बचने हेतु घुसमैन अपने शरीर पर मिट्टी, गर्मी और सर्दी दोनों से ही बचने के लिए अपने शरीर पर मिट्टी का लेप करते हैं। छोटी छोटी झोपड़ी और गुफाओं में ये रहते हैं, साधारण औजारों का प्रयोग करते हैं और बहुत कम वस्त्र धारण करते हैं। इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि किस तरीके से जो कालाहारी मरुस्थल का प्राकृतिक वातावरण है उसके साथ जो है इस जनजाति ने समायोजन किया हुआ है। कोई भी क्रियाकलाप देख लीजिए आप, इनका उस पे वहां के प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अब बात करें हम आधुनिक समाज से संपर्क होने के बाद इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया है। आधुनिक समाज से संपर्क होने के पश्चात वर्तमान में ये लोग कुछ मात्रा में कृषि कार्य करने लगे हैं, निकटवर्ती समाज से वस्तु विनिमय करते हैं, वस्तुओं का आदान प्रदान करके व्यापार भी करने लगे हैं, इनकी भोजन सामग्री में भी बदलाव आने लगा है। इस तरीके से कालाहारी मरुस्थल में जो निवास करने वाली जो घुसमैन जनजाति है वो प्राकृतिक वातावरण के साथ अपना अनुकूलन करती है। धन्यवाद।